जैसे हज़रत अबू हुरैरा लेटे हुए थे उल्टे, तो ये एक जुमला आपसे साबित है कि आपने फारसी में बोला। एक दफा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारसी में गुफ्तगू फरमाई अबू हुरैरा से, का दर्द दर शिकम, बुखारी शरीफ में दर्द दर शिकम, अबू हुरैरा पेट में दर्द है। फारसी में आपने एक दफा ये जुमला बोला है। ईरान से लोग आते रहते, यमन भी ईरान के ताबे था, फिर इराक की हदूद ईरान के ताबे थी, तो वहां से लोग आते रहते थे, तो कुछ न कुछ अल्फाज, जैसे आप लोग, आप जब जैसे आप लोग अरबी थोड़ी फूटी फूटी बोलने तो लगे, तो आपने कहा उठो तुम फसल फिसलात शिफा, उठो नमाज पढ़ो, नमाज में शिफा है। अब मेरे पेट में दर्द हो तो एक आदमी पूछे मौल साहब पेट में दर्द में कौन, वो कहे उठे नमाज पढ़ो, दूसरा बोले मौल साहब ये बैरल चले खा लें, तो आप खुद ही बताएं मुझे किस बात से ज्यादा तसल्ली हो। देखो ये कैसा कह रहा, दवाई खिलाते नहीं कहता उठो नमाज पढ़ो, और उल्टा तकलीफ में डाल, ये नहीं कहता गोली खा लो, तो वो उसकी तरफ जहन ज्यादा जाएगा जो कह रहा है ना गोली खा लो। मैं दवाई खाने से मना नहीं कर रहा हूं, नहीं छोड़ना है, नहीं नहीं, वो जो हमारे अंदर में एक मर्ज आया हुआ है उसकी तरफ निशानदेही कर रहा हूं, वो गलत यकीन वाला। मूसा अलैहि सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहा या अल्लाह दर्द हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया रायहान के पत्ते फूंक दो, रायहान इसको तोड़ दो, इसको उबाल के पी लो, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो ठीक हो गए। कुछ दिनों के बाद फिर दर्द हो गया, तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा नहीं, पहले पूछा था, उसने कहा था ये कर लो, वो गया और उसको पत्ते तोड़ के उबाल के जो पिया तो दर्द और कई गुना बढ़ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह ये क्या हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, पहले तो हमने पूछा, हमने उसमें शिफा डाल दी, अब नहीं पूछा तो उसमें दा डाल, बीमारी डाल, मुझसे पूछते, शिफा तो अमर है, कभी रैहान में कभी उसके गैर में, कभी दवाई में कभी नमाज में, कभी दुआ में कभी गिजा में, तो हम अमल करके इत्मीनान महसूस करते हैं या चीज को हासिल करके और सबब को हाथ में लेकर इत्मीनान महसूस करते हैं। तो मतलब सबब का इस्तेमाल ना रोका है ना मतलूब है, ना अल्लाह ताला कहता है कि छोड़ दो, ना अल्लाह ने मुतालबा किया है कि छोड़ दो। हाँ एक जगह मुतालबा है कि मेरे दीन के लिए छोड़ने पर छोड़ दो, ये मुतालबा जरूर है कि दुनिया में दीन फैलाने के लिए छोड़ना पड़े छोड़ दो, करना देखो जैसे नमाज के लिए नहीं छोड़वाता, छोड़ दो, दुकान बंद करो, नौकरी छोड़ो, मस्जिद में आओ, जो काम नौकरी से बनता था अब नौकरी छोड़ के बनेगा, जो काम सौदा बेच के बनता था अब दुकान बंद करके बनेगा, है यार अल्फादा कामयाबी मस्जिद में पड़ी आ जाओ, तो लंबे वक्त के लिए भी छोड़वाता है। तो वो अंदर का यकीन जिस पर फैसला होगा वो हमारा गलत है, उसको ना छुड़वाना चाहते कि इस चीज के मिलने से जो इत्मीनान हुआ और नमाज पढ़ने से नहीं हुआ, मैं ये बात अल्लाह को पसंद नहीं। मतलब दवाई का खुद हुजूर ने दवाई खिलवाई, आपको खिलाई गई, आपने खुद सहाबा का इलाज करवाया, लेकिन आया क्या यकीन भी उसी का हो, उसका तो ये है यकीन किसका है। तो भाइयों कीमत जो लगेगी वो यकीन पे लगेगी, इसलिए हदीस में आता है अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा तो मैं इसके आमाल की वजह से नहीं, बल्लेमा वकारा फी कल्बी ही, उस ईमान की वजह से है जो इसके दिल में गड़ गया है। मकसद ये है कि ये मुमकिन है अबू बकर से ज्यादा कोई तहज्जुद पढ़ने वाला हो, इससे ज्यादा कोई माल खर्च करने वाला हो,
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर से ज्यादा माल खर्च करते थे। वो एक रकात में कुरान पढ़ते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक से तो जिंदगी में एक दफा भी साबित नहीं कि उन्होंने एक रकात में कुरान पढ़ा। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रकात में सारा कुरान पढ़ जाते थे। और अब्दुल्लाह इब्ने अमर सारी जिंदगी के रोजे रखे उन्होंने, फिर हुजूर के इसरार पर एक दिन रखा एक दिन छोड़ा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से तो साबित नहीं कि उन्होंने ऐसे रोजे रखे। तो आमाल में मुमकिन है और लोगों का और लोग अबू बकर से ज्यादा हों, इसलिए अबू बकर का दर्जा तो इसके इन आमाल की वजह से नहीं है, लेमा वक़ारा फी कल्बी, ये उसके दिल में उतर गया है, गड़ गया है। ये वक़र, वक़र का लफ्ज यहाँ ये बड़ा अजीब इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि वक़र कहते हैं ऊंट पे बोझ लादने को। वक़र का जो लफ्ज है, औक़रतु, औक़रतु अल-जमल, मैंने ऊंट पे बोझ लादा, ऊंट पे इतना बोझ लादें कि वो पूरी तरह चारों तरफ उसके दोनों तरफ उसको नहीं करेंगे। आप तो यहाँ देखते हो कि ऊंट, पता नहीं अब यहाँ कोयत में होते कि नहीं होते हैं, सहरा में तो चलती होती, कैसा बोझ लाते हैं कि ऊंट को बोझल कर देना, बोझल कर देना, वक़्र। तो अल्लाह के रसूल ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल को एक तशबीह दी है एक सवारी से, एक ऊंट से, ऊंट समझ लें या कोई सवारी समझ लें, और ईमान को तशबीह दी है वजन से और बोझ से, के जैसे सवारी वजन उठा के हाँ पर ही होती है, हाँ पर ही होती, ऐसे अबू बकर का ईमान इसके दिल पे इतने इतना वजन रखता है कि अबू बकर का दिल भी उसको उठाने में बोझ महसूस कर रहा है, बोझ। ये है लिमा। तो हम भी मेरे भाइयों ये चाहते हैं कि हमारे दिल पर ईमान का ऐसा बोझ पड़े कि हमारा दिल भी हांपने लगे उसको उठा के, तो फिर ये अल्लाह के अर्श से ज्यादा रोशन हो जाएगा और अल्लाह की तजल्लियात का मजहर हो जाएगा और अर्श से ज्यादा इसको वसायत मिलेगी। कि अल्लाह ताला तो अर्श पे नहीं आता लेकिन ये दिल इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाती है। तो तबलीग वो सबब है जिसके जरिए से ये ईमान और ये आमाल का यकीन दिल में उतरता है, जिस पर इंसान की कीमत अल्लाह की बारगाह में लगती है। तो इसके आने का रास्ता है हिजरत, घरों से निकला जाए और फिर ईमान की दावत दी जाए और ईमान की महफिलों को कायम किया जाए, मस्जिदों को मरकज बनाया जाए, ठहरने की जगह मस्जिदें हों, काम से फारिग हुए तो मस्जिद की दौड़ लगाई जाए, मस्जिद का आदि बनाया जाए। और जो मस्जिद के आदि हो जाते हैं फरिश्ते उनके हम नशीन हो जाते हैं, बीमार हो जाएं तो फरिश्ते उनका हाल पूछते हैं, किसी जरूरत में हो तो फरिश्ते उनकी मदद करते हैं, दुआएं करें तो फरिश्ते उन पर आमीन कहते हैं। तो भाइयों, पूरी दुनिया के इंसानों का यकीन बदल जाए, इस प्रोग्राम के तहत ये मेहनत है। ये सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि हम बस अपने जाती तौर पर दीन पे चलने वाले बन जाएं, पूरी दुनिया के इंसानों का यकीन बदल जाए और उनका रुख अल्लाह की तरफ फिर जाए। यकीन को यकीन से टकराना है, पूरी दुनिया का यकीन बना हुआ है कि माल से काम बनते हैं, चीजों से काम बनते हैं, हम इस यकीन की दावत दे रहे हैं कि अल्लाह से काम बनते हैं और आमाल उसका जरिया है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी उसका जरिया है। इस यकीन का जब एक मजमुआ बन जाएगा तो फिर ये दो यकीन आपस में टकराएंगे, एक अल्लाह वाला यकीन, एक एटम वाला यकीन। फिर जिनके पास अल्लाह वाला यकीन होगा वही गालिब है। ईसा अलैहिस्सलाम की तलाश में उनके साथी निकले तो देखा तो वो हैरा तबरिया
الطبریہ کہ جو اردن میں ہے اور کچھ اب اسرائیل کے پاس ہے, اس پر اوپر پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں بنی گوبر موجوں کے ساتھ. تو ان کے حواری بڑے حیران ہوئے, ایک نے کہا میں بھی آ جاؤں, میں بھی آ جاؤں. آپ نے کہا آ جاؤ. جو اندر گیا چند قدم آ گیا تو گڑپ گیا اندر, کہنے کا میں تو ڈوب گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ ہاتھ اوپر کرو. تو ہاتھ کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا. کناولنی یدک یا قصیر الایمان, اے تھوڑے ایمان والے ہاتھ پکڑو. یوں اپنے ساتھ چلا لیا. پھر ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم حبۃ شعیر من الیقین ما شاء الماء, اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی انسان کے دل میں اللہ کا یقین ہو تو میری طرح پانی پہ چل سکتا ہے. کتنا یقین بھائی, جو کا دانا. اور ابھی ایک بات بڑے زمانے کے بعد یاد آئی, ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ کی, کہ ما قسم للناس شیء اقل من الحل وما نزل من السماء شیء اقل من الیقین, کہ دو چیزیں دنیا کی منڈی میں بہت تھوڑی ہیں, بہت تھوڑی ہیں, ایک یقین اور ایک اچھے اخلاق. حلم کا لفظ بڑا وسیع معنی پر ہے, تو اس کو اپنی زبان میں سمجھنا ہو تو وہ اخلاق. تو کہ یہ دو چیزیں بڑی تھوڑی آسمان سے آئی ہیں, یقین اور حلم, اخلاق بردباری کے لئے. تو اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین مل گیا تو پانی بھی راستہ نہیں روک سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو سے کا کوئی دسواں حصہ آ گیا تو یہ حرام سے نکل جائیں گے, شیطان سے نکل جائیں گے. پانی پہ چلنے کی ہمیں ضرورت بھی کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنا دی ہیں, اور نہ ہم کوئی شعبدہ دکھانا چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ بس تجھے راضی کرنا, اپنا کام بنا لیں. تو اگر جو کا کوئی دسواں بیسواں حصہ بھی آ گیا کویت والوں کے پاس یقین کا اور آپ کے پاس, تو کویت والے آپ کے پیچھے چلیں گے, آپ نے ان کے پیچھے چلیں گے. آپ کو کہیں گے ہم سے پاسپورٹ بھی بنوا لو, یہاں کی جنسیت بھی لے لو, بس آپ کویت چھوڑ کے نہ جاؤ. کیوں آپ کے پیچھے پھریں گے؟ ان سے ہونا دل سے نکالتے ہیں, ان سے نہیں ہے, یہ ہمارے رب نہیں ہے. یہ دل سے نکالیں, ان کی ہیبت کو دل سے نکالیں, ان کے روب کو دل سے نکالیں. وہ تبھی ہوگا جب بڑے کا روب دل میں آئے گا. آپ نے دیکھا نہیں, تھانے دار بڑا موچھوں پہ تاؤ دے رہا ہوتا ہے, اور جب ایس پی آتا ہے تو ایک دم اس کی موچھیں نیچے ہو جاتی ہیں. رب کیوں ہو جاتا ہے؟ تو یہ آپ کو بڑے تاؤ دکھا رہے ہیں. اگر آپ ان کے سامنے اللہ کو لیں تو بھائی یہ بکری ہو جائیں گے. بالکل اپنے دل سے کویت سے ہونا دل سے نکال دیں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ ہی سے, مخلوق سے نہیں ہوتا, اللہ ہی ہے. اللہ 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 کرتے 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 خون میں, دل میں, دماغ میں, رگ رگ میں اللہ اللہ اللہ, ہر آپ کے خون کا ایک قطرہ اللہ پکارنے لگے, بس پھر آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا. آپ کا روب چھا جائے گا, ہیبت تاری ہو جائے گی, پھاڑ کھانے والے درندے بھی آپ کے قدموں میں آ پڑیں گے. ابو الحسن الزاہد کو احمد بن طولون نے شیر کے سامنے ڈال دیا, ہاتھ پاؤں باندھ کے شیر کے سامنے. انہوں نے کوئی اس کو ٹوکا تھا, اس نے مجمع اکٹھا کیا, بھائی دیکھو بادشاہوں کو ٹوکنے والے کا انجام. شیر جو آیا چھپٹا مارنے, آگے جو نظر پڑی تو بالکل بلی بن گیا, اور آ کر پاؤں کی طرف بیٹھ کے پاؤں چاٹنے لگا, پاؤں کے تلوے چاٹ. شیر قریب ہی آئے تو آدمی کی سنسنی دوڑ جاتی ہے. تو جو پاؤں چاٹ رہا ہو کیا حال ہوگا ان کا؟ تو وہ ڈر گیا, اس نے خیر چھوڑ دیا, معافی مانگی. لوگوں نے پوچھا حضرت جب آپ کے وہ پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟
कहने के सोच रहा था कि मेरे पांव अब पाके कि ना पाके। क्योंकि ये मसला है कि बाज़ उलमा के नज़दीक जो खूनखार जानवर हैं, शेर है, भेड़िया है, चीता है, इनका छूटा नापाक है, बाज़ों के नज़दीक पाक है। तो कहने के मैं उसमें गौर कर रहा था कि अब मेरे पांव पाक हैं कि नापाक हैं, जैसे बिल्ली पांव चाट रही है, तो शेर बिल्ली बन जाएंगे अगर अल्लाह हमारे दिलों में आ जाए। तो भाई इसकी आप हज़रात नियत करें सारे हैं, चार महीने चिल्ला तो उसको एक खाली जहन साजी क्या है, चार महीने में तो कुछ भी नहीं होता। रोजाना रोजाना इस यकीन को दिल में उतारने की नीयत करके आप वक्त दिया करें।